हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ सस्मिता वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एन का इंग्लिश चैप्टर नाइन दैट इज डेजर्ट एनिमल्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेजर्ट में कंडीशंस कैसे होते हैं वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं और डेजर्ट में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है डिफ़िकल्ट कंडीशन होते हैं उसके एनवायरमेंट के हिसाब से वो एनिमल अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को कैसे अडोप्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ डेजर्ट्स दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेसेस होते हैं एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन यहाँ पे कभी महीनों तक तो कभी सालों तक बारिश नहीं होती है बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन सो हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हर्ज कंडीशन कोई भी एनिमल ज़्यादा देर तक बिना पानी के नहीं रह सकता वो भी तेज धूप में डेजर्ट में बहुत ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे लिखा गया है स्कॉचिंग सन स्कॉचिंग मीन्स जलता हुआ बहुत गर्म जलता हुआ सन मीन्स वेरी हॉट डेजर्ट की जो तेज़ धूप होती है वहाँ पे जो गर्मी होती है उस गर्मी में बिना पानी के कोई भी एनिमल बहुत दिन तक नहीं रह सकता बहुत दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकता उनको उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडोप्ट करना पड़ता है हर्ष कंडीशन हर्ष मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन डिफिकल्टीशन तो डिफिकल्ट कंडीशन के साथ उनको एडोप्ट करना पड़ता है फॉर एग्जांपल जर्बल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज बरोज मतलब छोटे छोटे मिट्टी में जो होल्स होते हैं जिसके अंदर चूहा घुस जाता है जिसको हम बिल बोलते हैं वो बिल के अंदर जर्बिल्स घुस जाते हैं जर्बिल्स मतलब एक टाइप का रेट है जो डेजर्ट में देखा जाता है यू कैन से इट एज डेजर्ट रेट सो जर्बिल्स क्या करते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है तब अंडरग्राउंड बरोस में जाकर छिप जाते हैं एंड स्ट्रेंड इनसेक् ऑन देर लेग्स एंड देन लिफ्टिंग एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इन टू देर माउथ और एक अजीब तरह का इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं डार्कलिंग बिटल्स वो क्या करते हैं जहां पर भी मॉइस्चर होता है उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं उनके लेग्स के थ्रू उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और अपने लेग्स को अपराइट लिफ्ट करते हैं जब तक वो पानी ट्रिकल डाउन होकर उनके माउथ में गिर नहीं जाता ट्रिकल डाउन मतलब जैसे कि आंसू टपकता है पसीना टपकता है पसीना कैसे बहता तो है स्किन के थ्रो से आंसू कैसे टपकते हैं दैट इज द ट्रिकल डाउन वैसे ही उनके लेग से मॉइस्चर ट्रिकल डाउन होने के जब तक उनके मुंह में नहीं गिरता तब तक वो अपने लेग को अपराइट लिफ्ट करके रखते हैं नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एनलिस ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स सारे डेजर्ट्स जो हैं सारे के सारे डेजर्ट्स बालू से नहीं भरे हुए होते हैं सारे डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स देखने को नहीं मिलते हैं कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रॉकी एंड पेबली भी होते हैं सम आर आर रॉकी और पेबली एंड स्मॉल बुशेस अदर्स कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग पेबली रॉकी मतलब छोटे छोटे पत्थर से जो जमीन भरा पड़ा होता है सूखा जमीन जो दट इज द पेबली रॉकी डेजर्ट तो सारे के सारे डेजर्ट्स सेंड्यून से भरे नहीं होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेबली होते हैं रॉकी होते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बुशेस भी देखने को मिलते हैं जब स्प्रिंग सीजन आता है तब वहाँ पे कलरफुल फूल भी खिलते हैं देर आर मोर देन टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड रेंजिंग फ्रॉम जस्ट फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन इलेवन मीटर्स दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के स्नैक्स होते हैं मोर देन टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड उनकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर छोटे से लेकर 11 मीटर तक इतना लंबा स्नेक भी आपको देखने को मिल जाएगा मोट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देर आर ए, ए बाइट ज्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्नेक्स भी है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं बस एक ही बाइट में इंसान वहीं पे खत्म मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देर यंग स्नैक्स ज़्यादातर अंडे देते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी स्नैक्स हैं जो कि अपने बच्चे पैदा करते हैं इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर इवन लुकिंग स्नैक विद ए वेरी बैड रेपुटेशन ऐसे ही अमेरिका के ड्राई रॉकी डेजर्ट में आपको एक टाइप के स्नैक देखने को मिलेगा जिसका रेपुटेशन बहुत ही खराब है रेपुटेशन खराब है मतलब शायद लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते शायद वो बहुत अनोइंग है जैसे कि चलिए देखते हैं कि रेपुटेशन उसका खराब क्यों है इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज थर्टी मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड ये है रेटल स्नैक स्नैक के टेल का जो लास्ट पोर्शन एंड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेटल और रेटल हमेशा अपराइट पोजिशन में होता है और वो हमेशा शेक करता रहता है जब वो शेक करता है तब तो एक साउंड आती है दैट इज द रेटलिंग साउंड और रेटलिंग साउंड कैसा होता है स्नेक का रेटलिंग साउंड जो है बहुत फ्राइटनिंग है बहुत ही भयानक है और ये साउंड को आप 30 मीटर दूर रह के भी सुन सकते हो एंड इट कैन स्ट्राइक एट लाइटनिंग स्पीड लाइटनिंग स्पीड मतलब बहुत तेजी से वो अटैक कर सकता है इसीलिए उसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है बट द रेटल स्नेक और द रेटलर रेटल स्नेक और रेटलर भी बोला जाता है द रेटल स्नेक और द रेटलर एज इट इज समाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन वो ज्यादातर क्या करता है लोगों को अपने से दूर रखता है मतलब लोगों को अवॉइड करता है इट होल्ड्स द टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब जब भी हम उसको डिस्टर्ब करते हैं नहीं तो वो जब भी, भी फील करता है कि हाँ वो डिस्टर्ब हो रहा है कोई उसको अटैक करने आ रहा है देन वो क्या करता है अपने टेल की जो लास्ट पोर्शन है उसको अपराइट करता है एंड उसको रेटलिंग करता रहता है इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे तो वो जो रेटलिंग करता है वो क्यों करता है इस उम्मीद से कि जो इंट्रूडर है मतलब हम लोग जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं जो उसको अटैक करने वाले हैं जिससे वो अपने आप को सेफ फील नहीं करता है उनको दूर करने के लिए वो रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और सोचता है कि हाँ मैं रेटल को अपना चेक करूँगा तो वो भाग जाएंगे जो भी है मेरे पास वो भाग जाएंगे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे हाउवर इट्स इनिंग्स आर इग्नोर्ड अगर इसकी वार्निंग को हम इग्नोर करते हैं एंड इट फील्स ट्रेटन और उसको ज़्यादा डर लगता है इट विल कॉय रेडी टू बाइट वो फटाफट कॉयल कर लेता है अपनी बॉडी को क्यों बाइट करने के लिए बट द रेटलर इज सेल्फ कैन नॉट हीयर दॉयज ऑफ हिट्स ओन टेल मैक्स उसकी जो रेटलिंग साउंड है वो हम सब सुन सकते हैं लेकिन वो खुद वो साउंड को नहीं सुन सकता लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हीयर्स थिंग्स थ्रो वाइब्रेशन इन द ग्राउंड जस्ट लाइक अदर स्नैक्स रेटल स्नैक्स अल्सो केन नॉट हियर साउंड दे जस्ट फील द वाइब्रेशन थ्रो द ग्राउंड ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है वही फील करते हैं लेकिन वो साउंड नहीं सुन सकते जैसे कि देखिए पढ़ते हैं आगे इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नैक कैन फील द मूवमेंट अगर कोई इंसान उसके पास से गुजरे तो वो फील कर सकता है बट इफ द सेम पर्सन वेयर टू साउट अगर वो सेम पर्सन साउट करेगा जोर से चिल्लाएगा इट वुड नॉट हियर अ थिंग वो कुछ भी नहीं सुन सकता आप चल के जाओगे वो फील कर सकता है बट एक जगह पे खड़े हो स्नेक आ गया स्नेक आ गया आप चिल्लाओगे वो नहीं सुन सकता इट के नॉट फील एनी थिंग रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स रेटल स्नेक्स बहुत कॉमन होते हैं चारों तरफ देखने को मिलते हैं अमेरिकन कॉन्टिनें फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना अमेरिका के कैनेडा से लेकर अर्जेंटीना तक हर जगह आपको रेटल स्नेक देखने को मिल जाएगा वराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस वोल्स रेड्स चिपमंगस एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स रेटल स्नेक्स जो है वो खाते क्या है माइस वोल्स रेड्स चिपमंग्स

नीचे मेरी ई मेल डिस्प्ले हो रहा है आप मुझे ई भी कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू